Assalamualaikum, मैं हूं सज्जाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए एक और डिश लेके आए हैं जिसको हमारे जो साउदर्न एरियाज हैं उसमें पेंडा के नाम से भी याद किया जाता है, सोबत के नाम से भी याद किया जाता है। ये डी खान, लक्की मरवत, बनू इन साइडों पर जो है ना काफ़ी जो है ना मतलब ये कि पसंदीदा डिश है और अक्सर जो है ना ख़ास मौक़ों पर मेहमानों के लिए भी यही तैयार की जाती है। बनाना इसका बहुत आसान है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई इसमें चीज़ें भी ज़रूरी नहीं होती और बहुत ही सिंपल से मसाले या सिंपल सी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बहुत ही आसान तरीके हैं। इसके लिए हमने ये 4 किलो तकरीबन चिकन लिया है, हमने ये 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, गर्म मसाला तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून, हल्दी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, और इसके साथ जो हमें फर्दर चाहिए गया दही जो कि हमने तकरीबन 2 कप लिया है, टमाटर 6 से 7 जो है ना दरमियाने साइज़ के, और साथ में जो है ना 4-5 प्याज जो के दरमियाने साइज़ के, और इसके साथ जो है ना एक और चीज़ हमने तकरीबन ये 8 बड़ी जो चम्मच है जो सालन का चम्मच होता है वो जो है ना हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसका कह लें कि 1.5 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ये कुकिंग ऑयल डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे ये प्याज, प्याज को तकरीबन थोड़ा फ्राई करें। अच्छा, ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अदरक लहसुन पेस्ट किया था तकरीबन 4 टेबल स्पून, वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट है ना थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे टमाटर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको फ्राई होने देंगे। अच्छा देखिए, ये 5 मिनट हमारे हो गए, ये टमाटर थोड़े से नरम हो गए। इसमें अभी हम जितने भी मसाले थे माँ सिवाय गरम मसाले के वो सारा हम डाल लेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हो गया आपका नमक, ये आपकी हो गई हल्दी, इन सबको हमने अभी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको हमने फर्दर 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा, अब ये 5 मिनट तकरीबन हो गए, इसको हम ये मसाला की तरफ पक भी चुका है और माशाल्लाह रंग भी जो है ना बहुत अच्छा निकल आया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, ये चिकन हमने ऐड कर लिया, ये चिकन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ये मिक्स कर लिया ताकि सारे चिकन को मसाला लग जाए। इसके बाद इसमें हम दही डाल लेंगे, ये तकरीबन 2 कप दही हमने इसमें डालना है। दही भी इसमें हम जो है ना मिक्स कर देंगे।
अच्छा ये अभी ये देखिए चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। इसमें हमने डालना है तकरीबन ये 8 ग्लास पानी। और अभी हमने इसको 15 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है, या ये आंच हमने इसकी तेज़ कर दी, अब 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है। हाँ जी, तो ये हमारा जो सालन है पेंडे का वो तैयार हो चुका है। इसमें अभी हमने ये गरम मसाला जो हमने शुरू में लिया था ये अभी हमने डालना है, और साथ में हमने डालनी है ये जो हरी मिर्च है ये वाली, इसको हमने थोड़ा सा बस और उबालने देना है, और ये हमारा तैयार, ये सालन तैयार हो गया। अब हमने इसको करना है सर्व। चलें, पेंडे का सालन तो हमने बना लिया। अभी जो पेंडे के लिए जो हमें चपाती चाहिए या रोटी चाहिए वो चूँकि घर में मुश्किल से ही बनती है तो हमने वो बाज़ार से बनती है, अब वो देखते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है पेंडे के लिए जो रोटियां बनती हैं वो इस साइज़ की बनती हैं, ठीक है। तो सालन हमारा बन गया है, अब हमने इन रोटियों को नवालों में तकसीम करना है, और इस परात में, हम पुश्तों में इसको खानक भी कहते हैं, इसमें डालना है। जी, ये रोटियां हमने सारी इसमें अभी कर दी। ये रायता हमने बनाया है, अभी ये गरम गरम सालन जो है ये हमने इस पे सारा इस तरह डालना है। ये सारा सालन, अब इस पे हम ये जो चिकन है बोटियाँ ये डाल लेंगे। ये हमारा जो है ना पेंडा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसमें थोड़ी सी हमने ये हरी मिर्च डाल लेनी है, सॉरी ये हरा धनिया। ये अच्छा जी, इसका जो रिवायती तरीका है खाने का वो ये प्लेट वगैरह में अलग से खाने का नहीं होता, बल्कि इसी जो परात होती है इसी में, ये जो परात होती है ये इसी में जो है ना मतलब वो सारा मिल के खाते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम जो है ना थोड़ा सा ये रायता इसमें डालेंगे, और अब चेकेंगे कि इसका ये जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह, वाह मज़ा आ गया। इसके साथ ये थोड़ा सा एक पीस ले लेते हैं, ये चिकन साथ में थोड़ा सा रायता। बहुत ज़बरदस्त। इस डिश की रेसिपी के लिए मैं, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे अब्दुल वदूद साहब, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई बहुत मज़ेदार बना है, बहुत मज़ा आया। इसी का जो है ना ये सालन में ये डुबो दिए, और साथ में ये आ गया इसका, इसकी ये बोटी।
आप भी जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट आइटम है फैमिली के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक देना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।